नमस्कार, मैं मनीष कौशिक आपके साथ में एक जानकारी साझा करने वाला हूँ गायत्री मंत्र से संबंधित। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र का प्रकट हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या देवी गायत्री की कृपा से अपने चारों मुखों से चार वेदों के रूप में की। प्रारंभ में गायत्री मंत्र सिर्फ और सिर्फ देवताओं के लिए ही था। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप से गायत्री मंत्र को आम जनों तक पहुंचाया। देखिए, जो भी शास्त्र वेद पुराण हमें मिले हैं ना, वो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी ऋषि मुनि के तपोबल से ही मिले हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र जपने के अनेकों लाभ हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करने से व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल नहीं आती। व्यक्ति का तेज बढ़ता है, बौद्धिक क्षमता और मेधा शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। एक बोनस पॉइंट आपको दे रहा हूँ, अगर आपका बच्चा रात में डरता है तो सोने से पहले, बच्चा अगर छोटा है हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता, तो गायत्री मंत्र का आप पाठ करा सकते हैं। एटलीस्ट उन्हें सिखाइए कि गायत्री मंत्र कैसे बोला जाता है, और मिनिमम अगर एक भी बच्चे करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मेधा शक्ति यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ती है, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, डेफिनेटली आप सिखाइए कि बच्चों के कैसे गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3, 5, 7, 11, जैसे भी सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार वो कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।